हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने लैच के बारे में बात की थी, आपसे डिस्कस किया था सेट रीसेट लैच यूजिंग अ नॉर गेट या यूजिंग टू नॉर गेट्स, कि नॉर लॉजिक पर जब हम काम करते हैं तो किस तरीके से हमें सेट रीसेट लैच मिलता है जो कि स्टोरेज ऑपरेशन करवाता है। अब आइए देखते हैं कि नैंड गेट से अगर हम इस्तेमाल करें, नैंड गेट के जरिए हम सेट रीसेट लैच बनाएं तो कैसे बनती है। तो दोस्तों, अपना ध्यान आप बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फ्रेंड्स, नैंड गेट में जो दोनों इनपुट्स होते हैं सेट और रीसेट, इनको हम इन्वर्टेड फॉर्म में देते हैं, यानी जो एक्चुअल इनपुट हमें मिल रहा है सेट और रीसेट का, उसका हम कॉम्प्लीमेंट करके देन हम इनको फीड करते हैं इन अ नैंड गेट। तो अनलाइक अ नॉर गेट, जहां पे सेट रीसेट कंडीशन जो थी वो अपने प्राइमल स्टेट में, अपने ओरिजिनल स्टेट में थी, यानी 0-1 था, अगर सेट 1 है तो 1 ही इनपुट गया गेट में, ऐसा नहीं होता इन केस ऑफ अ नैंड गेट बेस्ड एसआर लैच। बल्कि क्या होता है कि दोनों इनपुट्स इन्वर्टेड होते हैं या कॉम्प्लीमेंटेड होते हैं पहले से ही। यानी जो पहला इनपुट गेट नंबर 1 नैंड गेट और गेट नंबर 2 नैंड गेट को नाम दे दिया, तो जो पहला इनपुट गेट नंबर 1 नैंड गेट में जाएगा वो सेट कंडीशन का कॉम्प्लीमेंट होगा, और सिमिलरली जो दूसरा इनपुट गेट नंबर 2 में जाएगा, गेट नंबर 2 नैंड गेट में, वो रीसेट कंडीशन का कॉम्प्लीमेंट होगा। अगेन दोस्तों, बस इस चेंज को छोड़ के बाकी आप देख रहे हैं कि बेसिक कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिमिलर है, आउटपुट हमें मिलेगा और अगेन आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट स्टेट। क्या होगा आउटपुट और क्या होगा आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट स्टेट, ये डिसाइड करेगा कि लैच फंक्शन कैसे करेगी। तो दोस्तों, ये बेसिक कनेक्शन आप ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था जब हमने नॉर गेट्स के जरिए एसआर लैच को बनाया था। उस केस में भी हमने आपको यह दिखाया था कि किस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म होता है एक लैच में, जो कि इनेबल करवाता है रिटेंशन, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन स्टोरेज पॉसिबल हो पाता है। इसका ऑपरेशन ध्यान से समझने के लिए दोस्तों, आप यहां पर ध्यान दीजिए इसके ट्रुथ टेबल पे। इस केस में नॉर गेट से बनने वाले एसआर लैच के थोड़ा विपरीत ऑपरेशन होता है। विपरीत से मेरा मतलब यह है कि जब इस केस में दोनों इनपुट्स 0-0 हों, यानी दोनों इनपुट्स जब लो हो, तो नॉर गेट्स के केस में क्या हो रहा था दोस्तों, ये हो रहा था कि जब दोनों इनपुट्स लो हैं तो जो ये ऑपरेशन है, जो सर्कल सर्किट है बेसिक अपना, वो अपना ऑपरेशन जो उसका लैचिंग ऑपरेशन है वो बिगिन करेगा, यानी अब वो स्टोरेज करेगा प्रीवियस स्टेट की, स्टोरेज करना शुरू कर देगा। इस केस में वैसा नहीं होता। इस केस में 0-0 यानी जब दोनों एस और आर इनपुट, सेट रीसेट इनपुट, जब दोनों के दोनों जीरो होते हैं, उस केस में फॉरबिडन स्टेट, ये वही स्टेट है जिसे मेटा स्टेबल स्टेट मैंने आपको बताया था नॉर गेट के केस में, नॉर गेट से बनने वाले एसआर लैच के केस में। ऐसा डिफरेंस क्यों है दोस्तों? ऐसा डिफरेंस आप यहां से देख सकते हैं कि नैंड गेट और नॉर गेट का जो बेसिक ऑपरेशन है, जो उनका बेसिक इस्तेमाल है, वो एज यूनिवर्सल गेट्स है। यानी और बड़ी बात यहां पर यह है दोस्तों कि कोई भी लॉजिक ऑपरेशन जब हम इंप्लीमेंट करते हैं नैंड गेट से या नॉर गेट से, वो उनका ऑपरेशन बेसिकली स्टेबल आइडेंटिकल होता है, सिमिलर होता है एक दूसरे से। फर्क यहां पर क्या है कि उस केस में जब हम इनपुट दे रहे थे सेट कंडीशन का, तो सपोज कीजिए उस केस में हमने अगर ऐसा रखा था कि सेट कंडीशन जैसे 0-1, 0-1 और 0-0, 1-1, तो उस केस में हम जब ये देख रहे थे दोस्तों कि जब हम 0-0 इनपुट दे रहे हैं, यानी जब सर्किट के इनपुट्स लो स्टेट में है, तब होगा लैच ऑपरेशन। फिलहाल इस स्टेट की बात करते हैं कि जब दोनों इनपुट्स लो है तो लैचिंग ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि सर्किट लो स्टेट में है। यानी लैचिंग ऑपरेशन से मेरा मतलब है जो उसकी प्रीवियस स्टेट थी, जो वो उसकी प्रीवियस स्टेट थी, उस स्टेट को, उस स्टेट की इंफॉर्मेशन को अब वो स्टोर करना शुरू करेगा। लेकिन इस केस में जब हमने इनपुट्स ही पहले देने से पहले ही उनको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, यानी इस केस में जो 0-0 कंडीशन थी वो आइडेंटिकल हो जाएगी किसके, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट से, यानी वो आइडेंटिकल हो जाएगी 1-1 कंडीशन के। इसलिए 1-1 कंडीशन में जैसे फॉरबिडन स्टेट थी, इलीगल स्टेट थी, मेटा स्टेबल स्टेट थी नॉर गेट्स वाले एग्जांपल में, इस एग्जांपल में वो 0-0 या उस स्टेट में होगी जब ये दोनों सर्किट्स, जब ये दोनों इनपुट्स लो हैं। क्यों? बेसिक फंक्शन यही, क्योंकि दोनों के दोनों इनपुट्स आने से पहले, इंप्लीमेंट होने से पहले ही कॉम्प्लीमेंट हो गए, क्योंकि जब हम एस और आर नहीं दे रहे हैं एक्चुअली एज इनपुट्स, हम तो एस का कॉम्प्लीमेंट और आर का कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं नैंड गेट के लॉजिक में, इसलिए उसका जो ट्रुथ टेबल है वो भी रिवर्स हो गया। यानी जो यहां पर लो स्टेट्स है, जब दोनों लो हैं, ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव करेगी जैसे नॉर लॉजिक में तब बिहेवियर हो रहा था जब दोनों स्टेट्स हाई थी,
क्योंकि वहां पर हम एस और आर इनपुट्स दे रहे थे और यहां हम इनपुट्स दे रहे हैं एस का कॉम्प्लीमेंट और आर का कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों एक नैंड लॉजिक से बनने वाले एस आर सेट रीसेट लैच में होता यह है कि जब सेट इनपुट लो हो, सेट इनपुट लो हो तो सेट कॉम्प्लीमेंट इनपुट क्या होगा, नेचुरली अपने आप हाई होगा, यानी वो बिहेव करेगा एज 1-0 ऑफ द ऑर गेट, नॉर गेट वाला जो हमने आपको दिखाया था। उस केस में ये था कि अगर एस इनपुट, ध्यान आप पिछले वीडियो ध्यान से देखेगा, एस इनपुट यानी सेट इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई होगा। ठीक उसी तरह से इस केस में भी हो रहा है कि सेट इनपुट जब हाई है, सेट इनपुट जब हाई है यानी सेट कॉम्प्लीमेंट जब लो है, उस केस में जो आउटपुट है वो हाई होगा। तो यहां के जीरो को, इस वाले फॉर ट्रुथ टेबल के जीरो को आप उस वाले ट्रुथ टेबल का वन समझिए, वो इसीलिए क्योंकि यहां पर इनपुट्स ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंटेड हैं, पहले ही इन्वर्ट करके दिए गए हैं। तो होगा ये दोस्तों कि जब यहां पर सेट कॉम्प्लीमेंट इनपुट जीरो होगा यानी सेट इनपुट वन होगा, तो जो ये स्टेट है सर्किट की वो होगी, स्टेट इस लैच सर्किट की वो होगी सेट स्टेट। क्यों होगी सेट स्टेट? क्योंकि सर्किट फंक्शन कर रहा है वन स्टेट पर, आउटपुट वन है, आउटपुट हाई तब है जब एस का सेट का कॉम्प्लीमेंट लो है यानी सेट हाई है। बस ये थोड़ा सा फर्क आपको समझना बेहद जरूरी है इन दोनों तरह की कंस्ट्रक्शन में। कि नॉर लॉजिक में तो हम सिंपली सेट और रीसेट इनपुट्स उठाकर हमने फीड किया और हमें एक पर्टिकुलर ऑपरेशन मिला, लेकिन नैंड लॉजिक में हमें जहां पर हमने सेट और रीसेट इनपुट्स को पहले ही कॉम्प्लीमेंट कर दिया, वहां पर इसका जो ट्रुथ टेबल है जो हमें यह दिखाएगा कि काम कैसे कर रहा है, वो एग्जैक्टली फिगरेटिवली इसका उल्टा होगा। यानी जब सेट कॉम्प्लीमेंट इनपुट लो होगा तो नेचुरली आउटपुट हाई होगा, आउटपुट हाई इसलिए होगा क्योंकि सेट कॉम्प्लीमेंट लो है यानी सेट हाई है। सिमिलरली जब सेट कॉम्प्लीमेंट हाई है तो सेट क्या हुआ, अगर सेट कॉम्प्लीमेंट हाई है तो सेट होगा लो, यानी सेट लो हुआ तो आउटपुट अपने आप लो हो जाएगा और सर्किट फंक्शन करेगा रीसेट कंडीशन में। और जब दोनों इनपुट्स हाई हो यानी सेट कॉम्प्लीमेंट भी हाई है, रीसेट कॉम्प्लीमेंट भी हाई है, यानी कहने का मतलब रीसेट और सेट जब ये दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स हाई हैं, यानी हम ये कह रहे हैं कि इन रीसेट और सेट क्या है, लो, क्योंकि इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स हाई हैं। जब दोनों वन हैं तो एक्चुअलिटी में क्या है कि सेट भी लो है रीसेट भी लो है। उस केस में ये बराबर उसी तरह से फंक्शन करेगा दोस्तों जैसे हमने नॉर लॉजिक में देखा था जब ये लो लो स्टेट पर था, यानी ये प्रीवियस स्टेट की स्टोरेज पर फोकस करेगा। ये डिफरेंस समझना इन नैंड गेट के लॉजिक में और नॉर गेट के लॉजिक में, और कैसे हमने एसआर लॉजिक एसआर लैच इनके इन दोनों लॉजिक्स के जरिए इंप्लीमेंट करवाया, ये समझना बेहद जरूरी है दोस्तों। आपको बस ध्यान में ये रखना है कि यहां फर्क कुछ दोनों में ज्यादा नहीं, फर्क सिर्फ इस बात का है कि इनपुट्स जब हम नॉर लॉजिक में, जब नॉर गेट्स का यूज कर रहे थे एसआर लैच की कंस्ट्रक्शन में, इनपुट्स को हम एज इट इज फीड कर रहे थे, लेकिन नैंड के केस में हम क्या कर रहे हैं जब हम नैंड गेट्स यूज कर रहे हैं कि हम इनपुट्स को एज इट इज फीड नहीं कर रहे, हम उन्हें पहले ही इन्वर्स कर रहे हैं, रिवर्स करके जीरो का वन और वन का जीरो कर रहे हैं, इसलिए उसकी जो आउटपुट स्टेट थी, जो ट्रुथ टेबल था, वो यहां रिवर्स हो जाता है। तो दोस्तों ये थी एसआर लैच की कंस्ट्रक्शन यूजिंग अ नैंड गेट। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और आती है दोस्तों कि सपोज कीजिए हमें अगर इस सर्किट में या इसके लैचिंग ऑपरेशन में थोड़ा पर भर भी हमें अगर कंट्रोल चाहिए, यानी अगर हम ये डिसाइड करना चाहें कि ये सर्किट कब लैच होगा, कब ये स्टोर करना शुरू करेगा और कब नहीं, अगर हम इसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल चाहते हैं तो हमें इसमें कुछ बदलाव, बहुत छोटा सा बदलाव करना पड़ेगा। जब हमने ये समझा कि हमें इसमें बदलाव करना है, क्या बदलाव करना है, उस चीज ने जन्म दिया एक चीज को जिसे कहा जाता है गेटेड एसआर। गेटेड एसआर का मतलब है गेटेड सेट रीसेट लैच। गेटेड सेट रीसेट कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बल्कि इस बेसिक सेट रीसेट जो हमने लैच यूज किया इसका एक छोटा सा एक्सटेंशन होता है। वो एक्सटेंशन क्या है दोस्तों और उसके आगे की क्या फर्दर सब टाइप्स हैं और क्या टाइप्स हैं सेट रीसेट लैच के, ये हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो, किसी भी तरह की कोई दुविधा हो अपने इस टॉपिक को लेकर या किसी प्रीवियस टॉपिक को लेकर, तो कृपया हमारे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, उसका उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।